सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रशांत एंड यू आर वॉचिंग रोड मोटो। सो ये ब्लॉग मनाली का है, तो जहाँ मैं इस बार मोटरसाइकिल पे नहीं कार पे आया हूँ और फैमिली वेकेशंस के लिए आया हूँ। मेरे पास एक छोटा सा शिज़ू है, तो हम लोग जहाँ भी ट्रैवल करते हैं उसके साथ करते हैं। तो हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो पेट फ्रेंडली हो, जहाँ पे हम उसको साथ लेके जा सकें। सो ये एक होम स्टे है जो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का ही है। विंटर्स में मनाली आने का अपना ही अलग चाम है। वो हमारा रूम है और वहाँ से व्यू कुछ इस तरीके से है। सो ये जो पूरा पहाड़ देख रहे हैं, ये सब अभी फॉग हो चुका है, तो पीछे वाले पहाड़ दिख नहीं रहे, बट वो पूरा वाइट हो चुका है क्योंकि कल रात को यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ जा रही है, तो शोर बहुत हो रहा है, बट वो पूरा वहाँ पे स्नोफॉल हुई थी। ये खड़ी हुई है मेरी ब्लू कलर की नेक्सन। ये एप्पल के ट्रीज़ हैं जो पूरे विदाउट लीव्स हैं। ये अपना बॉनफायर प्रिपेयर कर रखा है और इसको करेंगे, इस पर बारबेक्यू भी करेंगे। वो सामने वाटरफॉल है जो फ्रीज हो चुका है। कल मौसम बहुत क्लियर था लेकिन आज धूप नहीं निकली, अभी तक निकल रही है जा रही है, निकल रही है जा रही है। होपफुली स्नोफॉल होगा लंच के बाद। एंड दिस इज़ दी होम स्टे। So there are three rooms. ये main entry है, तीनों room के लिए ये main entry. This is first room. Say hello. Hi. And ये यहाँ से view जब भी नीचे से देखी थी। Bathrooms. All wood paneling and there's a kitchen, so you can cook whatever you like, you can bring your own food. वो सामने ले मनाली हाईवे है जिसपे बहुत लंबा जाम लगना शुरू हो गया है। I think bad weather की वजह से अटल टनल बंद हो गई है, क्योंकि कल हम गए थे, हमने this is second room. इसमें भी बैल्कनी है, ये बैल्कनी से व्यू है। ये पूरे जगह में ऐसे घूम रहा है और बहुत एंजॉय कर रहा है। एंड दैट वाज द रीजन वी वांटेड टू कम टू अ प्रॉपर्टी लाइक दिस। कॉटन कॉटन भागो नहीं, भागो नहीं। तो मुड़ मुड़ के देख रहा है बीच बीच में। डांसी 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 डांसी। मैं ऐसे ही थोड़ा सा राउंड लेने के लिए छत पे आ गया था और यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे पीछे अगर देख सके तो वहाँ पे जो ऊपर जाने वाली रोड है उस पर पूरा ट्रैफिक चल रहा है। सो लुक एट द ट्रैफिक। आगे अटल टनल बंद हो गई है, कल हम जब गए थे तो 2 घंटा हम वहाँ फंसे रहे थे। और ये देखिए अभी हल्का हल्का स्नोफॉल शुरू हो गया है, सो इफ़ यू कैन सी बहुत, हालांकि धूप निकली हुई है लेकिन बहुत छोटी छोटी स्नोफ्लेक्स गिर रही है और बहुत अमेजिंग लग रहा है। और ये उड़ती उड़ती कहीं से स्नो आ रही है, हालांकि कैमरा में आई एम श्योर कि कैप्चर नहीं हो रही होगी, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नो एक्सपीरियंसिंग इट विद योर ओन आईज इज़ वेरी डिफरेंट देन वॉचिंग इट ऑन कैमरा। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई ब्लॉग्स इज़ एक्चुअली टू इंस्पायर पीपल टू ट्रैवल। बहुत ज़्यादा खर्चा ना भी करे तो भी यू नो द काइंड ऑफ ट्रिप्स आई टेक, आई डोंट स्पेंड टू मच ऑफ मनी। पहली चीज़ रहने में I don't really spend too much of money because that's a waste. All you need is a clean bathroom and a good rajai, kambal and bistar to sleep, nothing else. Khana
आप बाहर जाके ही खाते हो यूजली, जब आप बाहर होते हो तो बाहर ही खाते हो, तो उसमें भी यू डोंट, यू हैव अ चॉइस, यू वांट टू स्पेंड मोर, यू डोंट वांट टू स्पेंड मोर, बहुत बेसिक ही रहता है। तो मेरे ट्रिप पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बट इट इज़ द एक्सपीरियंस, इट इज़ द मेमोरी दैट यू क्रिएट विच विल बी विद यू लाइफ लॉन्ग। ऊपर से निकला है, टेम्परेचर काफ़ी कम है, मतलब आई एम श्योर इट वुड बी अबाउट 0 degrees यहाँ पे इस वक्त, और हाथ मेरे बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं, कैमरा भी ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, और मुँह भी थोड़ा सा ऐसा हो गया, बोलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दिस इज़ जॉनसन्स कैफ़े, एंड अपेरेंटली ये बहुत एक अच्छी जगह, बहुत फेमस जगह है यहाँ पे टू हैव योर यूरोपियन, दे सर्व यूरोपियन एंड कॉन्टिनेंटल मील्स। हम लोग अभी निकले हैं जॉनसन्स कैफे से, द फूड वाज एक्चुअली ऑसम। पहली बार आके मनाली में, आई थिंक नहीं, खाना तो ठीक ही था, हमने ज़्यादा भी खाया डिसेंट, हमने कुछ बहुत ऐसा खाया भी नहीं, कल मॉल रोड में थे, बट दिस इज़ अ नाइस प्लेस, मस्ट विजिट। सो इफ यू आर नॉट स्टेइंग हेयर, देन एटलीस्ट यू कैन come here for one, at least one meal. Yeah. A little expensive, but worth it. Worth it. Completely worth it. Mine is looking so weird. Oh, I want to sleep on it. It looks like a unicorn. अभी नहीं दिखेगा, अभी उतना गिर रही है, समझ में आ जाएगा, ये हाथ रख के दिखाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ गिर रही है। देखो मेरे ऊपर तो कितनी हो रही है, मेरे भी काले में सब समझ में आ रहा है। हाँ काले में दिख रहा है एक्चुअली। सो हो गया स्नोफॉल शुरू, एंड हम लोग स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं, एंड सी गाड़ी पे देखिए ये बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। और बहुत मज़ा आ रहा है स्नोफॉल, मैंने तो पहली बार एक्सपीरियंस किया है लाइव स्नोफॉल, और हम लकी थे बिकॉज़ हम यही प्लान करके आए थे कि हम स्नोफॉल देखें, हमें मिले, प्रेडिक्शन थी स्नोफॉल की, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल होगा लेकिन कल नहीं हुआ, आज हुआ है, बट
नेवर माइंड, आज हो गया, आज अच्छा खासा हो रहा है। अभी इस वक्त हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्नोफॉल जो है काफ़ी लंबा चलेगा और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे स्नो हो जाएगी। सो कीप वॉचिंग। अच्छी खासी अब तो वीडियो में कैप्चर हो रही है। माँ कैसे लग रहा है? वाह, थोड़ी देर में सब कुछ वाइट होने वाला है। यहाँ हमने जला रखी है आग। ओहो, क्या मजा आ रहा है यार। हाँ जी, कैसे लग रहा है? आना सफल हो गया हमारा। हाँ, फाइनली स्नोफॉल हो ही गया। भगवान से मना रही थी, भगवान स्नोफॉल दिखाते हैं, वो शुरू कर रहे हैं। हाँ बच्चों, कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है? अवनी कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है? अविशी आपको कैसे लग रहा है? अविशी आंटी कुछ पूछ रही है, कैसे लग रहा है स्नोफॉल की? गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रशांत एंड यू आर वॉचिंग रोड मोटो। सो कल रात को जो स्नो हुई थी वो तो आपने देखा ही होगा कि हाउ डिड वी इन्जॉय। और उसके बाद जब मैं आज सुबह उठ के आया तो मौसम और व्यू कुछ ऐसा था, तो हर जगह सफ़ेद ही सफ़ेद हो रखा है। दिस इज़ हाउ इट इज़, अमेजिंग। मज़ा आ रहा है, ठंडा बहुत हो रहा है, अच्छा खासा ठंडा है। और जो सामने ग्राउंड है उसमें कुछ ऐसा व्यू है। आज थर्ड डे है और कल स्नोफॉल हो गया था तो अच्छा लगा, मज़ा आया। लाइव स्नोफॉल देखना बड़ा मुश्किल से मिलता है हम जैसे लोगों को जो पहाड़ों पे ही नहीं रहते, तो अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड आज की जर्नी हमारी होने वाली है यहाँ से चंडीगढ़ की। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।